हैं आप लोग? बढ़िया। तो बच्चों लोग, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपका चैप्टर नंबर 8 शुरू किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और उस समय हमने क्या देखा था कि वेव्स के बारे में कुछ देखा था। वेव्स क्या होती है? जब कोई पार्टिकल अपने ही मीडियम में ऑसिलेट करेगा। फिर हमने देखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कौन सी चीज ऑसिलेट करती है। सो हमने भांगड़ा स्टेप देखा था, याद है कुछ? भांगड़ा स्टेप, इसमें हमने क्या देखा था कि इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को परपेंडिकुलर होगी, एंड जो वेव है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसकी प्रोपोगेशन इन दोनों एक्सिस को परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा हम और देखेंगे आज के लेक्चर में। अब बच्चे लोग, हमने नेक्स्ट टाइम देखा था कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, देखो हमने दो कॉन्सेप्ट, एक पहला तो डिस्प्लेसमेंट करंट देखा था। डिस्प्लेसमेंट करंट का मतलब क्या होता है? भाई 1831 में फैराडे ने हमको एक लॉ दिया था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो उसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड, सॉरी, इंड्यूस करंट एंड इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है, राइट? उसके बारे में हमने बात की थी। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने देखा था बच्चा लोग, कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट, ऑन चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस इलेक्ट्रिकल फील्ड। फिर सवाल आया कि क्या इसका उल्टा भी पॉसिबल है, मतलब क्या इलेक्ट्रिकल फील्ड को बदलने से मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो सकता है? तो लोगों ने मना कर दिया और उसका जवाब दिया फाइनली जेम्स क्लर्क मैक्सवेल भाई साहब ने, बोला कि यस, इट इज पॉसिबल, अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड को चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है। अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया जहां पर उन्होंने दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लिया। अब उन्होंने यहां पर हमको क्या बताया था, देखिए उन्होंने हमको कहा था कि अगर आप किसी पैरेलल प्लेट के अक्रॉस में इसको आप कनेक्ट करते हो किसी सर्किट से, तो यहां पे चार्ज फ्लो होना शुरू होगा। चार्ज फ्लो होगा इसका मतलब एक साइड नेगेटिव बनती जाएगी और एक साइड पॉजिटिव बनती जाएगी। बोलो सही है कि नहीं? अच्छा, अब इलेक्ट्रिकल फील्ड कहां से कहां तक होती है? माइनस से प्लस, इसका मतलब इसके बीच में इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। अब उन्होंने एक्सपेरिमेंटली चेक किया था कि यहां पे अगर कोई पॉइंट लिया जाए तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। क्यों? बिकॉज वहां पे करंट है ना। अब उन्होंने चेक किया कि अगर इसके बीच में कोई पॉइंट लिया जाए तो क्या यहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगी? सो यस, उन्होंने देखा कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है। अरे यहां करंट तो है ही नहीं, यहां तो कोई करंट ही नहीं, तो स्पेस है, वैक्यूम है, फ्री स्पेस है, यहां पे तो कोई भी करंट नहीं है। अब जूने समय में क्या माना जाता था कि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ करंट या तो मैग्नेट की वजह से बन सकती है, लेकिन यहाँ पे तो दोनों ही नहीं है। लेकिन जब उन्होंने निडल रख के यहाँ पे चेक किया तो उनको मैग्नेटिक फील्ड मिली, एंड जितनी मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे थी उतनी ही मिली, डायरेक्शन भी वही मिला। ये सब कुछ हमने हमारे पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। सो यहाँ पे मैक्सवेल ने कहा कि इधर भी एक करंट है। कैसा करंट? ये करंट आया कहां से? सो उन्होंने बोला कि देखो, जब तक चार्ज यहां जा रहा है, सो यहां पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, यहां पे नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड चेंज हो रही है। बच्चा, हर बार एक नवा चार्ज आता जा रहा है, हर बार एक प्लस यहां पे बढ़ता जा रहा है, यहां पे माइनस बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब हर बार इलेक्ट्रिकल फील्ड बढ़ती जा रही है, मतलब हर बार इलेक्ट्रिकल फ्लक्स बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिकल फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस। हमने पढ़ रखा है कि अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड बढ़ेगी तो नंबर ऑफ लाइंस भी बढ़ेगा, मतलब फ्लक्स बढ़ेगा। अब फ्लक्स बढ़ने के कारण यहां पे एक करंट इंड्यूस हुआ। आहा, जैसे कि किसी वायर में फ्लक्स चेंज होने के कारण करंट इंड्यूस होता है, वैसे ही इलेक्ट्रिकल फ्लक्स चेंज होने के कारण यहां पे एक करंट इंड्यूस हुआ, यानी कि करंट जो है वो यहां से यहां जंप मार रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, इसलिए इस करंट को नाम दे दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या नाम दे दिया इसको? डिस्प्लेसमेंट करंट। एंड उन्होंने बताया कि डिस्प्लेसमेंट करंट के कारण ही यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। ये डिस्प्लेसमेंट करंट आया। देखो, ये जो करंट है ना, जो हम इस वायर में लेते हैं, उसको कहा गया था आईसी। आईसी मतलब कंडक्शन करंट। कंडक्शन करंट का मतलब है कि हमने पूरे 10 से लेकर 12 तक में जो भी करंट की बातें की ना,
एक्चुअली वो इंडक्शन करंट है। कौन सा करंट है? इंडक्शन करंट, जो कि वायर के अंदर जाता है। अब फ्री स्पेस में जो करंट दौड़ रहा है वो है डिस्प्लेसमेंट करंट। एंड बच्चे लोग, इसी करंट के कारण यहां पे मैग्नेटिक फील्ड आई। देखो पूरी साइकिल है, फ्लक्स चेंज हुआ, इलेक्ट्रिकल फील्ड चेंज हुई तो फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ तो करंट बना, करंट बना तो फिर से वो क्या बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। यही तो यहां का जादू है। अब जरा देखिए यहां पे, अच्छा एक बात बताओ कि अगर डिस्प्लेसमेंट करंट इधर है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट अगर इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी? आप मुझे बता सकते हैं? देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं? अपने राइट हैंड फिंगर का यूज करते हैं, थंब को करंट के डायरेक्शन में रखो एंड इसको कर्ल करो। इसका मतलब ये देखो, ये ऐसे अंदर जा रही है, यहां से अंदर जा रही है एंड यहां से बाहर आ रही है ना, यहां से बाहर आ रही है। इसका मतलब अब जरा ध्यान से सुनो, मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो गई? मैग्नेटिक फील्ड या तो अंदर जाती हुई है या तो बाहर आती हुई है, मतलब ऐसी z एक्सिस के तरफ हो गई, z एक्सिस के तरफ। बच्चा लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड कहां बन के आ रही थी? इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे बन रही थी, ये सारे माइनस थे, ये सारे प्लस, सॉरी फील्ड का उल्टा था, ये सारे प्लस थे, ये सारे माइनस थे, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड यू बन के आ रही थी। ये इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया ना कि इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, हेंस प्रूव्ड। सो मैक्सवेल ने यह भी बताया कि इलेक्ट्रिकल फील्ड को अगर आप चेंज करेंगे तो वो एक करंट इंड्यूस करेगा, उसको हमने डिस्प्लेसमेंट करंट दे दिया। अब अच्छा लोग, यहां पे मैक्सवेल ने चुनौती दे दी एम्पियर को। एम्पियर ने क्या बोला था कि भाई किसी भी वायर में करंट कितना होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज है ना, इंडक्शन करंट जो एम्पियर ने दिया था, जो हम पढ़ रहे थे उससे हम कैसे डिफाइन करते हैं? dQ/dt, चेंज ऑफ रेट ऑफ चार्ज। लेकिन लेकिन अब एम्पियर के हिसाब से इधर तो कोई करंट होना ही नहीं चाहिए, तो मैक्सवेल ने बताया कि नहीं, यहां पे भी करंट होगा। कितना करंट होगा? डिस्प्लेसमेंट करंट, विच इज इक्वल टू आई नॉट, मतलब ईएमएफ, जितना ईएमएफ आप इसके अक्रॉस कनेक्ट करेंगे वो dQ/dt। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं? सो बच्चा लोग, यहां तक की कहानी हमने लास्ट टाइम देखी थी। एक चीज हमने और देखा था कि फिजिक्स के अंदर ना एक कंफ्यूजन था कि कंटिन्यूटी कैसे बनेगी। यार अगर मैं इसको सर्किट से कनेक्ट भी करता हूं तो कैसे यहां पे कंटिन्यूटी बनेगी? तो मैक्सवेल ने जवाब दे दिया कि यार यहां तक तो इंडक्शन करंट है लेकिन इसके आगे डिस्प्लेसमेंट करंट है। और एक चीज उन्होंने और भी बोली, देखो हमको यहां की मैग्नेटिक फील्ड और यहां की मैग्नेटिक फील्ड सेम थी। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? करंट पे। भाई बायो सर्वर्स लो देखा है, करंट पे डिपेंड करेगी। अच्छा अब अगर मैग्नेटिक फील्ड सेम है इसका मतलब करंट भी सेम होना चाहिए। सो मैक्सवेल ने यह भी बोला कि इंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू भी सेम है, तो लो मिल गया हमको यहां पे कंटिन्यूटी ऑफ करंट, या आप बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी। कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी कि यहां से करंट आया, फ्री स्पेस में भी एक करंट बना एंड वो फ्लो ही हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पे, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। प्रूव दैट द कंडक्शन करंट आईसी एंड डिस्प्लेसमेंट करंट आर इक्वल हैव द प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी, यानी कि जिसके बारे में हमने बात की वही चीज हमको यहां पे लाना है। क्या करें क्या करें क्या करें, सोचिए। एक्सपेरिमेंटली सर, अभी एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि यहां की मैग्नेटिक फील्ड और यहां की मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो हो गया ना इक्वल? नहीं, अरे फिजिक्स, फिजिकली इसको प्रूव करना है, फिजिक्स के फंडामेंटल लगा के उसको प्रूव करना है। क्या करेंगे? चलिए, अच्छा कंडक्शन करंट कैसे दिया जाता है? dQ/dt, ठीक है, ओके। अब अच्छा लोग, हम मान लेते हैं कि इसके अक्रॉस कोई बैटरी कनेक्टेड जिसका ईएमएफ है E0, क्लियर। और डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे दिया जाता है?
ई नॉट डी फाइ ई, चेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है कि नहीं। डिस्प्लेसमेंट करंट की फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस की थी। अब देखिए ये इलेक्ट्रिकल फ्लक्स जो है हमको पता है, हमने पढ़ रखा है इलेक्ट्रिकल फ्लक्स को क्या हम ऐसा लिखते हैं ई डॉट डी ए है कि नहीं, पहले पढ़ रखा है ना ई डॉट ए। ए मतलब क्या होता है, एरिया वेक्टर। अब इसका एरिया वेक्टर कहां होगा, एक 2D डायग्राम का एरिया वेक्टर कहां होता है, उसको परपेंडिकुलर। मतलब इसका एरिया वेक्टर भी इधर पे हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड भी इधर हो जाएगी, दोनों के बीच का एंगल जीरो है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं इलेक्ट्रिकल फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू ए, क्या मैं लिख सकता हूं, बिल्कुल इसको यहां रख देते हैं डी बाई डी टी ऑफ ई ए, बोलो सही है ओके। अब क्या करें क्या करें क्या करें, नेक्स्ट पेज ले लो बच्चा, थोड़ी जगह कम है, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, इसको याद रखना ओके। इतना तो आ गया हमारे पास, एक काम करो इसको हम यहां लिख लेते हैं इलेक्ट्रिकल फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए। अच्छा इलेक्ट्रिकल फील्ड किसी प्लेट के बीच में, बच्चा लोग हमने पढ़ रखा है ना किसी प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी होती है, ये कितनी इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस करेगा, क्यू बाय टू एप्सिलॉन नॉट, याद आया कुछ सर, हमको कुछ याद नहीं है, क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, और ये कितनी करेगा अगेन क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिकल फील्ड। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, उसको यहां पे रख दूं ई के बदले ओके। बच्चा लोग ये ईएमएफ नहीं है, सॉरी माय मिस्टेक, ये ईएमएफ नहीं है, ये एप्सिलॉन नॉट ही है। सो एप्सिलॉन नॉट डी ई के जगह पे रख देते हम क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, बोलो क्लियर यहां तक। अब क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें। अच्छा बच्चा लोग इसमें से कांस्टेंट को बाहर ले आवे, देखो चार्ज जो है वो तो धीमे धीमे यहां पे आ रहा है, तो चार्ज कांस्टेंट नहीं है, चार्ज चेंज हो रहा है ना, रेट ऑफ चार्ज तो वो तो चेंज हो रहा है, कांस्टेंट क्या है एप्सिलॉन नॉट, उसको भी बाहर ले आते। सो ये क्या हो गया आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी क्यू ए बाय डी टी, सो ये कट हो गया। अब ए का क्या करे, ए का क्या करें बताइए, ये ए हमको यहां से हटाना है, अगर हम ए हटा देवे तो देखो dq / dt डायरेक्टली आ जाएगा ना आईसी, क्या करना पड़ेगा भाई, दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी प्रोड्यूस होती है, हमने भी गलती की और आपने भी हां बोल दिया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, भाई सिग्मा आता है ना सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, अब सिग्मा के बदले हम क्या रख सकते हैं क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज बाय एरिया, तो इसको यहां पे रखना है। सो एरिया तो यहीं पे आपका कट हो जाएगा, ये एरिया कट, तो देखो बचा क्या डी क्यू बाय डी टी। अब डी क्यू बाय डी टी क्या है, नथिंग बट दी कंडक्शन करंट, so displacement current is always equal to conduction current, ये Maxwell ने प्रूव करके दिखाया practically भी and theoretically भी। बच्चों लोग कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, प्रूव करो कि कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट इक्वल है, कम ऑन फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो, 1 2 3 4 5 इसके नोट्स दे दूंगा बड़े बड़े नोट्स दे दो, चलिए अब अच्छा लोग हम एक न्यू लॉ पढ़ने जाएंगे, यानी कि एम्पियर सर्किटर लॉ का एक मॉडिफिकेशन वर्जन। देखो मैक्सवेल ने ना एम्पियर का नाम पूरा डुबो दिया था,
एम्पियर ने बोला था कि फ्री स्पेस में करंट नहीं होगा, लेकिन फ्री स्पेस में करंट मैक्सवेल ने निकाल के बताया, मैक्सवेल ने साबित किया कि करंट की डेफिनेशन एक्चुअली वो नहीं है जो आप लोग बोलते हो, मतलब कुछ और भी पॉसिबल है। सो एम्पियर सर्किट का लॉ क्या था, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब बच्चा लोग यहां पे हम आई सी ले रहे, क्यों, मैंने क्या कहा कि अभी तक हम जो करंट पढ़ रहे थे वो क्या था, कंडक्शन करंट ही था। सो आई इज इक्वल टू आई सी, क्या यही हमको दिया था एम्पियर सर्किट का लॉ ने, बिल्कुल। किसके लिए, क्लोज सरफेस के लिए, किसके लिए, एक क्लोज्ड सरफेस के लिए। भाई आपको याद नहीं है तो बता दूं, किसी पॉइंट पे अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है तो वहां से हम एक सर्किट सॉरी एक लूप एज्यूम करते हैं और उस लूप की एक डायरेक्शन लेते थे, राइट, और उसमें देखते थे कि वहां पे कितने करंट आ रहे हैं और फिर करंट का प्लस या माइनस करते थे, यानी ये करंट इनसाइड बोलते थे इसको, विच इज इक्वल टू कंडक्शन करंट। अब जरा यहां पे देखो, देखो यहां पे एक पॉइंट लिया, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड देखी, यहां पे एक पॉइंट लिया, यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड देखी, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड सेम आई। इस जगह मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण है, कंडक्शन करंट के कारण। इस जगह मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण है, डिस्प्लेसमेंट करंट के कारण, है कि नहीं। तो अब मैक्सवेल ने एम्पियर सर्किट का लॉ का मॉडिफिकेशन वर्जन क्या दिया, बी डॉट डी एल एक्चुअली ये जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों करंट के कारण होती है, कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। अब अगर आप इस लॉ को इस जगह लगाएंगे तो यहां पे देखो, यहां पे क्या डिस्प्लेसमेंट करंट होगा, नहीं, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो। अगर आप इस जगह इस फॉर्मूला को लगाएंगे तो क्या यहां पे कंडक्शन करंट होगा, नहीं, यानी कंडक्शन करंट जीरो हो जाएगा। सो दिस इज नथिंग बट द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ, समझ आ रहा है बच्चा लोग। हमें अगर यहां यूज करना है, अगर हमें यहां यूज करना है तो हम आईडी को जीरो कर देंगे, यहां यूज करना है तो आईसी को जीरो कर देंगे, एज सिंपल एज दैट। क्लियर बच्चा लोग, चलिए अब बच्चा लोग हम इस डिस्प्लेसमेंट करंट की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। दो तीन चीजें हैं जो आपको डिस्प्लेसमेंट करंट को लेकर ध्यान देनी है, विच आर दे, पहली है इट इज नॉट कन्वेंशनल करंट एज इट इज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड सो इट इज कॉल्ड करंट। देखो एक्चुअली ये कोई कन्वेंशनल करंट नहीं है, ये भी ऐसा भी कहते हैं कि ये कोई करंट ही नहीं है, हम इसको करंट मान के चल रहे हैं, क्यों, बिकॉज ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है। डिस्प्लेसमेंट करंट एक्चुअली होता ही नहीं है, ये एक करंट माना जा रहा है, क्यों, बिकॉज ये एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। सेकेंड थिंग, इट एग्जिस्ट ओनली व्हेन देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, भाई ये हमेशा नहीं होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज इलेक्ट्रिकल फील्ड चेंज होगी तब भी आएगा, हमने देखा था ना इलेक्ट्रिकल फील्ड चेंज फ्लक्स चेंज तो एक करंट इंड्यूस होगा, कैसा करंट होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट इंड्यूस होगा। सो इट एग्जिस्ट ओनली व्हेन देयर इज अ चेंज इन इलेक्ट्रिकल फील्ड या इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, इट डज नॉट चेंज अंडर स्टेडी कंडीशंस। स्टेडी कंडीशंस मतलब बच्चा लोग जब कैपेसिटर टोटली चार्ज हो जाएगा, फुल्ली चार्ज हो जाएगा, उस समय कोई डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं होगा, क्यों, अरे भाई जब फुल्ली चार्ज हो गया तो उसके चार्जेस आ गए, अब जब चार्जेस आ जाएंगे तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंक्रीज ही नहीं होगी, अब अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंक्रीज नहीं होगी तो करंट कहां से बनेगा। अब बच्चा लोग यहां पे एक सवाल आप बोलेंगे कि सर हमने कंटिन्यूटी ऑफ करंट पढ़ा जिसमें डिस्प्लेसमेंट करंट था, डिस्प्लेसमेंट करंट किसके कारण था, चेंज इन इलेक्ट्रिकल फील्ड के कारण, अब जब इलेक्ट्रिकल फील्ड चेंज नहीं होगी तो करंट कहां से बनेगा, तो कंटिन्यूटी कहां से मिलेगी, बहुत बड़ा सवाल है बच्चा लोग। अब एक चीज सुनो, कैपेसिटर चार्ज जरूर हो जाता है लेकिन उसके बावजूद भी चार्ज चेंज तो होता रहेगा ना। देखो एक कैपेसिटर जब तक फुल्ली चार्ज है, सपोज करो कि मैं किसी कैपेसिटर को डायरेक्ट करंट दे रहा हूं, तो एक समय आएगा जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, बिल्कुल। अब फुल्ली चार्ज होने के बाद अगर मैं उसको डायरेक्ट करंट देता हूं, सो कैपेसिटर क्या करेगा, अपना चार्ज एक दे देगा एक ले लेगा, एक दे देगा एक ले लेगा, मतलब यहां पे चेंज इन चार्ज देखने को मिलेगा। अरे चेंज इन चार्ज ही तो इलेक्ट्रिकल फील्ड को चेंज कर रहा है ना, और कौन चेंज कर रहा है, मिल गए कंटिन्यूटी। अच्छा अगर मैं देखो हम 99% तो एसी करंट देते हैं कैपेसिटर को,
डीसी करंट कोई नहीं देता, सारे के सारे एसी करंट देते हैं। एसी करंट हमने पढ़ा था हमारे पिछले चैप्टर में ऑल्टरनेटिंग में, क्या होता है एक बार करंट इंक्रीज हो रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन, दूसरी बार जीरो हो रहा है। अब जब जीरो हुआ तो एनर्जी कौन देगा, चार्ज कौन देगा, कैपेसिटर देगा। देखो आपके पंखे में कैपेसिटर लगा रखा है, क्यों, क्या कैपेसिटर बिना पंखा चल नहीं सकता, नहीं चल सकता, बिकॉज एक बार वोल्टेज बढ़ रहा है, जीरो हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर जीरो हो रहा है। अरे ऐसा कौन सा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो चेंज इन वोल्टेज में काम करेगा, वो क्या बोलेगा भाई मुझे तो कॉन्स्टेंट वोल्टेज चाहिए, तो हमने दे दिया बोले ले कैपेसिटर रख। कैपेसिटर क्या करता है, वोल्टेज को स्टोर करके रख रहा है, एंड जब सर्किट में वोल्टेज जीरो हो रहा है तो वो अपना वोल्टेज दे रहा है। सो यहां पे मिलेगी हमको कंटिन्यूटी, समझ आ रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, टुगेदर विद द कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट सेटिस्फाई द प्रोटोकॉल, हमने जो बात की भाई कंडक्शन करंट के साथ मिलके डिस्प्लेसमेंट करंट क्या कर रहा है, कंटिन्यूटी की प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है। क्लियर, फटाफट इसका पिक ले लो, चलिए आगे बढ़े, फटाफट स्क्रीन शेयर पर चलो। 1 2 3 4 5 चलिए चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्या क्वेश्चन दे रखा है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद प्लेट एरिया ए एंड सेपरेशन डिस्टेंस डी। हमको एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे रखा है, देखो मैं मेरी मर्जी से सर्कल ले रहा हूं, बाकी रेक्टेंगल स्क्वायर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बट कंडीशन के डायमेंशन सेम होने चाहिए। हमको बोला गया कि यहां पे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका एरिया दे दिया गया हमको ए एंड दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस दे दिया है डी। देखो स्टूडेंट्स एक चीज आप याद रखना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक डायनेमिक्स आपने जितना भी पढ़ा ना अभी, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म ये वो जितना भी आपने अभी तक पढ़ रखा है ना, सब कुछ यहाँ पे यूज होगा, सब कुछ यूज होगा। विद प्लेट एरिया हो गया, डिस्टेंस डी हो गया, इज चार्ज्ड बाय अ कांस्टेंट करंट आई, इसके पास एक कांस्टेंट करंट आ रहा है आई जिसकी वजह से ये चार्ज होता जा रहा है, ठीक है। अभी दिखाने के लिए हम सिर्फ दिखा देते हैं कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ओके। कंसीडर अ प्लेन सरफेस एरिया ए बाय टू पैरेलल टू द प्लेट्स एंड ड्रॉन साइमल्टेनियसली बिटवीन द प्लेट्स। ओहो देखो ध्यान से सुनो, एक प्लेन सरफेस आपको कंसीडर करनी है जिसका एरिया हो ए बाय टू, यानी जितना पहला एरिया था उसका आधा। ये एरिया कहां पे लेना है हमको, पैरेलल टू द प्लेट्स, एक तो प्लेट को पैरेलल, दूसरा बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में लेना है। इसका मतलब इन दोनों प्लेट्स के बीच में यहां पे कहीं एक एरिया लेना है और ये इसको पैरेलल है। बच्चा अगर ये ऐसा है तो ये ऐसा है और इसके एरिया कितना दे दिया हमको, ए बाय टू। अच्छा द डिस्प्लेसमेंट करंट इन द एरिया, हमको बच्चा लोग इस जगह पे डिस्प्लेसमेंट करंट देखना है, इसके बीच में, पूरे में नहीं, पूरे में नहीं देखना है, इसके बीच में देखना है। ऑप्शन है आई आई बाय टू आई बाय फोर आई बाय एट, क्या होगा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट, चलिए देखें चेक करें। एक मिनट इसको मैं यहां साइड में बना लेता हूं, फिर से इसका एरिया ए डिस्टेंस डी एंड ये हो जाएगा ए बाय टू। अच्छा बच्चा लोग एक बात बताओ, देखो ये डिस्प्लेसमेंट करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, करंट क्या होगा पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन प्लेट्स। अब अच्छा ऐसा क्यों होगा यार, चार्ज तो पूरे प्लेट में रहते हैं ना, जो चार्ज इधर होगा वही चार्ज इधर भी तो होगा, वही चार्ज इधर सब जगह तो होगा, सिमिलरली यहां पे भी तो प्लस प्लस होगा, सो करंट भी तो फ्लो हो रहा है यहां पे। इसका मतलब करंट क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। अच्छा बट अब एक बात सुनो, देखो पूरे में अगर बात की जाए, सपोज करो मैं यही सिचुएशन ले लेता हूं, पूरे की बात की जाए तो कितना करंट जा रहा है, एक दो तीन, तीन जा रहा है, लेकिन जो एरिया मुझे हो रहा है उसमें से तो एक ही जा रहा है, मतलब करंट कम तो होने वाला है, कितना कम होगा पता नहीं। अच्छा हमने एक चीज पढ़ी थी करंट डेंसिटी, कुछ याद आया,
करंट डेंसिटी, डिनोट करते थे इसको हम कैपिटल जे से। मैंने कहा ना हम लोग सब कुछ पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सब कुछ। अब फॉर्मूला क्या थी इसका, जे इज इक्वल टू आई बाय ए, यानी कि अब आपका एरिया अगर कम हो रहा है तो क्या डेंसिटी पे फर्क पड़ेगा? यस और नो? बिल्कुल फर्क पड़ना चाहिए। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट करंट पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्प्लेसमेंट करंट अगर पूरा प्लेट होता, अगर पूरा प्लेट होता तो कितना करंट हो जाता डिस्प्लेसमेंट? एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डीटी। बोलो सही है कि नहीं? यस। अच्छा, अब क्या करें? चलो यहां पे हमको एरिया चेंज करने को बोला है ना, एरिया को चेंज करते हैं। देखो जब तक एरिया ए था तो डेंसिटी इतनी थी, अब मैं इसको जेडेश बोल देता हूं, इतने एरिया के लिए जो डेंसिटी है उसको मैं जेडेश बोल देता हूं। सो ये कितना हो जाएगा, आई बाय टू ए। अच्छा करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट है, सॉरी टू ए नहीं, ए बाय टू, इसको ऊपर ले जाते हैं। सो जेडेश इज इक्वल टू टू आई डी बाय ए, यानी करंट डेंसिटी बढ़ रही है। देखो करंट डेंसिटी पहले से इंक्रीज हो गई, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं, जेडेश इज इक्वल टू ट्वाइस आई डी बाय ए के बदले जे, करंट डेंसिटी बढ़ रही है, एरिया घट रहा है। बड़ा हमें ऐसा फॉर्मूला चाहिए ना जो यहां पे एरिया से रिलेटेड हो। अच्छा क्या मैं यहां पे ऐसा बोल सकता हूं, यहां से आई डी इज इक्वल टू जे ए, है ना, इस ए को मैंने यहां पे ले लिया। अब अच्छा देखो करंट डेंसिटी कभी बदल सकती है? करंट डेंसिटी तो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, एरिया और करंट का रेशियो है, करंट डेंसिटी कभी चेंज नहीं होती। इसका मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं जे इज इक्वल टू जेड एश, करंट डेंसिटी बच्चा कांस्टेंट वैल्यू है, वो तो हमेशा एरिया और करंट का रेशियो है, रेशियो कभी बदलेगा नहीं। जैसे आर इज इक्वल टू वी बाय आई होता है ना, वोल्टेज अपॉन करंट, तो आर की वैल्यू तो हमेशा कांस्टेंट रहती है, भली वोल्टेज चेंज हो करंट चेंज हो, सिमिलरली करंट डेंसिटी हमेशा सेम रहेगी हमेशा। देखो मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अब अगर एग्जैक्टली मैं आपको यह समझाने जाऊं तो टोटल करंट डेंसिटी इस तरीके से होगी चार, और इस एरिया के अंदर से दो हो जाएगी, मतलब रेशियो हमेशा सेम रहेगा। इसलिए मैं बोल सकता हूं कि दिस इक्वल टू दिस, तो इसके बदले हम लिख लेते हैं आई डी बाय ए, और इसके बदले मैं लिख लेता हूं टू आई डी बाय ए, ए कैंसिल। मुझे इसकी बात करनी है करंट डेंसिटी कितना हो जाएगा, मैं इसको डैश बोल देता हूं ये वाले को। सो आई डी डैश आफ्टर एरिया चेंजेस इज इक्वल टू आई डी बाय टू, यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट आधा हो जाएगा। क्या ये हमारे ऑप्शन में था? यस, ऑप्शन नंबर बी आई बाय टू। समझ आया? चलो देखो जरा ध्यान से, हमने क्या किया, करंट डेंसिटी का कॉन्सेप्ट यूज कर लिया, करंट डेंसिटी मतलब करंट अपॉन एरिया। अब हमको एरिया, एरिया हमको हाफ करने को बोला है तो करंट डेंसिटी कुछ और होगा, सो हमने उसको ले लिया आई डी डैश, और डेंसिटी उस समय की क्या हो जाएगी, जे डैश। अब हमको पता है कि करंट डेंसिटी कभी चेंज नहीं होती है, वो हमेशा सेम रहेगी, दोनों को इक्वेट किया एंड फाइनली वी गॉट अवर आंसर। क्लियर? समझ आया बच्चा लोग? आगे बढ़ूं? यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, द वोल्टेज बिटवीन प्लेट कैपेसिटर ऑफ अ कैपेसिटेंस इज 0.1.0 माइक्रोफेरेड। हमको कैपेसिटर की वैल्यू दे दी है 1 माइक्रोफेरेड, यानी कि 1 × 10⁻⁶ फेरेड। इस चेंजिंग एट द रेट ऑफ 5 वोल्ट पर सेकंड। अरे यार ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूज कर देते ना, द वोल्टेज बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ 1.0 माइक्रोफेरेड इस चेंजिंग। बच्चा ये अंग्रेजी का खेल है, देखो यहां पे कॉमा समझ लो, यानी कि द वोल्टेज इज चेंजिंग,
क्या बन गया क्वेश्चन, द वोल्टेज इज चेंजिंग, इसका मतलब वोल्टेज बदल रहा है, यानी कि डी वाई बाई डी टी दे देंगे एट द रेट ऑफ 5 वोल्ट पर सेकेंड। बच्चा यहाँ पे कौन चेंज हो रहा है, वोल्टेज चेंज हो रहा है। क्या वोल्टेज के चेंज होने से चार्ज भी चेंज होगा? सीधी सी बात है, वोल्टेज के चेंज से करंट चेंज होगा, और करंट कब चेंज होता है, जब चार्ज चेंज होता है, यानी कि चार्ज भी चेंज होगा। चार्ज जब तक चेंज नहीं होगा तब तक डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं मिलेगा, याद रखना। ओके, पूछा क्या है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ द कैपेसिटर। अरे यार कैसे करें इसको, चले ब्लैंक स्पेस ले आवे, ब्लैंक स्पेस हाजिर हो। ओके, डिस्प्लेसमेंट करंट की फॉर्मूला क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी, यानी चेंज इन इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। हमने अभी भी देखा था इलेक्ट्रिकल फ्लक्स किस हिसाब से दिया जाता है, ई डॉट ई ए, है ना। इलेक्ट्रिकल फ्लक्स को हम ई ए लिख सकते हैं ना, इलेक्ट्रिकल फील्ड इनटू एरिया वेक्टर। अच्छा बच्चा लोग, अब देखो मुझे यहां पे पोटेंशियल की बात की गई है, वोल्टेज यानी पोटेंशियल। तो इस इलेक्ट्रिकल फील्ड का एक फॉर्मूला देखा था हमने पोटेंशियल के फॉर्म में, विच वॉज, नहीं एक्चुअली विच इज वी बाय डी, पढ़ रखा है, जहां पे डी का मतलब क्या होता था, डिस्टेंस बिटवीन द कैपेसिटर या प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। बच्चा लोग चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा था यार, ऐसा 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 देखते हो ना आप लोग, सर जैसे मानो कि मैंने आपको बोल दिया हो कि जाओ आज का पिज्जा आपकी तरफ से, डोमिनोज का चीज बस पिज्जा आपकी तरफ से बोल दिया हो ना, ऐसा मुंह बना के बैठ जाते हो भाई। ये हमने E is equal to V by D, ये हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में। अब क्या करें, देखो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन प्लेट कॉन्स्टेंट रहेगा, प्लेट का एरिया कॉन्स्टेंट रहेगा, बाहर ले आओ एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी dv by dt। अरे यार ये कहीं देखा देखा लग रहा है मुझे, कहां देखा है ये epsilon not a by d, कहां देखा है, chapter 2। अरे वाह, अरे बच्चा ये कैपेसिटर बन गया ना, कैपेसिटर की फॉर्मूला नहीं देखी थी हमने, epsilon not a by d, कैपेसिटर डिपेंड्स ओनली ऑन द डायमेंशन ऑफ द प्लेट्स। सो ये क्या बन गया, c dv by dt। तो यहां से हमने एक नवी फॉर्मूला भी डिराइव कर ली, डिस्प्लेसमेंट करंट की एक नवी फॉर्मूला डिराइव कर ली, कैपेसिटेंस इनटू चेंज ऑफ रेट ऑफ वोल्टेज। क्या दोनों की वैल्यू दे रखी है मुझे क्वेश्चन में, यस यस, वैल्यू पुट करो, सो आईडी इज इक्वल टू कैपेसिटेंस कितना दिया है, 1 × 10⁻⁶ × 5, आंसर कितना आ गया, 5 × 10⁻⁶, मतलब 5 माइक्रो एम्पियर। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है हमको, यस ऑप्शन नंबर ए, 5 माइक्रो एम्पियर। क्लियर, समझ आ रहा है बच्चा लोग, चलिए फटाफट इसको नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो फटाफट, 1 2 3 4 गो। और अगला सवाल, 10 लाख रुपए के लिए ये रहा आपके स्क्रीन पे। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 5 माइक्रो फैरेड इज बीइंग चार्ज सो दैट द करंट हैज स्टेडी वैल्यू ऑफ 100 मिली एम्पियर। देखो ये हमको दे दिया है यहाँ पे कैपेसिटेंस 5 × 10⁻⁶ फैरेड, एंड बोल दिया गया है कि उसको इस तरीके से चार्ज किया है कि एक स्टेडी करंट, फिक्स करंट हमको मिल रहा है कितना, 100 एम्पियर का। अच्छा ये कौन सा करंट होगा, ऑब्वियसली बच्चा लोग पैरेलल प्लेट के बीच की बात की है तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट होगा, यानी ये डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू हमको दे दी है। फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स, क्या ढूंढने को बोल रहा है ये, रेट ऑफ चेंज। देखो जब भी रेट ऑफ चेंज आवे ना तो डिवाइड बाय डीटी कर दो, डिवाइड बाय डीटी किसको करना है, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि डीवी बाय डीटी ढूंढने की बात कर रहा है। अरे अभी अभी हमने फॉर्मूला देखी थी, आईडी इज इक्वल टू सी डीवी बाय डीटी, मैंने आपको इसलिए कहा कि हमने एक नवी फॉर्मूला डिराइव की सी डीवी बाय डीटी। सो हमको क्या फाइंड करना है, डीवी बाय डीटी फाइंड करना है, तो कर लो ना, प्रॉब्लम क्या है, ये फॉर्मूला तो रेट ऑफ आईडी बाय सी,
ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट दिया है 100 मिली एम्पियर है, चलो यानी 100 × 10⁻³ अपॉन c कितना दे रखा है हमको 5 × 10⁻⁶, सो ये हो गया 20, तो ये आंसर आ गया 20 × ये 6 ऊपर आएगा प्लस 6 − 3 कितना हो जाएगा 3, 20 × 10⁻³। क्या कोई ऐसा आंसर दिया है 20 किलो मतलब 10⁻³ हो गया, सो 220 kV बाय किलो वोल्ट पर सेकंड, 20 kV/s, समझ आया बच्चा लोग, क्लियर हुआ? यस सर। ओके बच्चा लोग, अब अगला हमें दो इंपॉर्टेंट नोट्स यहां पे देखने, हम पहले इसको देख चुके हैं, इसको समझ चुके हैं, लेकिन इसको याद रखना है, इसलिए मैं दोबारा इसको मैं स्पेशली रिकॉल करवा रहा हूं। पहला है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड, देखो हमने क्या देखा था, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ कोई भी डायरेक्शन में अगर इंक्रीज कर रहा हूं तो यहां पे क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा। किस तरीके से इंड्यूस होगा, इस तरीके से कि वो इंक्रीज होते हुए मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करे। अब करंट मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कब करेगा, जब इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फील्ड जनरेट करेगा। So, मुझे चाहिए इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड इधर, मतलब करंट कैसे इंड्यूस होगा, इस डायरेक्शन में, बोलो सही है। अच्छा करंट क्या अपने आप बह सकता है, नहीं, करंट कब फ्लो होता है, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, इसका मतलब एक कोई इलेक्ट्रॉन है, चलो मैं यू दिखा देता हूं अभी के लिए, कुछ इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ पे फ्लो हो रहे हैं करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्या इलेक्ट्रॉन अपने आप फ्लो हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन स्टेडी थे, स्टेडी चार्ज है, क्या स्टेडी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड चला सकती है, नहीं। मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मूला क्या होती है, मैग्नेटिक फोर्स की qvB, v मतलब वेलोसिटी, सो जब तक चार्ज की वेलोसिटी नहीं होगी तब तक वो उसको उस पर फोर्स अप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन यहां पे तो इलेक्ट्रॉन स्टेडी थे, वेलोसिटी जीरो थी, इसका मतलब इसको चला कौन रहा है, इलेक्ट्रिकल फील्ड। अच्छा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं तो इलेक्ट्रिकल फील्ड उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब यहां पे एक इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट हो रही है, एक इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट हो रही है। अब जरा ध्यान से देखो, मैं अगर इसकी बात करूं, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड, देखो ये नीचे वाली, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड, मतलब कोई भी डायरेक्शन ले लो आपको मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर ही मिलेंगे। सो सबसे इंपॉर्टेंट नोट, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंड्यूस्ड इज इंड्यूस्ड ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के बदलने से इलेक्ट्रिकल फील्ड इंड्यूस हुई एंड वो कैसी थी, परपेंडिकुलर थी। क्या इसका उल्टा पॉसिबल है, मैग्नेटिक फील्ड को बदलने से इलेक्ट्रिकल फील्ड बनती है परपेंडिकुलर, क्या इलेक्ट्रिकल फील्ड को बदलने से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, हाँ वो भी मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में। सो पॉइंट टू, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड इज आल्सो परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिकल फील्ड, यानी इसका मतलब जब मैं इस दो प्लेट को आपस में कनेक्ट कर दूंगा किसी बैटरी से तो धीमे धीमे चार्ज इधर आते जाएंगे, धीमे धीमे यहां का माइनस इंक्रीज होता जाएगा, धीमे धीमे यहां का प्लस इंक्रीज होता जाएगा, मतलब धीमे धीमे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंक्रीज होती जा रही है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंक्रीज हो रही है, उसकी वजह से हमको यहां पे एक डिस्प्लेसमेंट करंट मिल रहा है और करंट हमेशा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, मतलब इसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड यहां पे प्रोड्यूस होगी। अच्छा डायरेक्शन कौन सी होगी, ये करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड, यानी ऊपर की बात करूं तो बाहर निकलेगा और नीचे की बात करूं तो अंदर जाएगा। देखो चेंजिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर है, चेंजिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, ये इसकी बात करूं तो इलेक्ट्रिकल फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, यानी बच्चा हमेशा ये भांगड़ा स्टेप याद रखना। अच्छा नाम है ये ना, भांगड़ा स्टेप बाय बलजीत सर, प्लीज इन दो पॉइंट को याद रखना, बहुत डीप कॉन्सेप्ट छुपा यहां पे। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने, अरे दुनिया हिला दी थी उसने, ठीक है बच्चा लोग। अब देखो लास्टली हम देख लेते हैं मैक्सवेल इक्वेशन,
चलो मैक्सवेल इक्वेशन आपके सिलेबस में वैसे तो नहीं है, बट हम उस पर खाली एक नजर डाल लेते हैं, बिकॉज उसमें से तीन इक्वेशन तो नहीं, चारों ही इक्वेशन आप कहीं ना कहीं देख चुके। देखो मैक्सवेल ने क्या कहा था, मैक्सवेल ने ऐसी चार इक्वेशन दी थी जिसमें पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिक सब समा गया। उन्होंने ये कमिट किया कि भाई ये चार इक्वेशन मेरी नहीं है, लेकिन उन्होंने ये जरूर बोला कि इस चारों को अगर हम मिला दे तो पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पूरा मैग्नेटिज्म इसके अंदर आ जाएगा। मतलब जो भी आपने लॉज है ना, बेसिक लॉज, जैसे कि फैराडे लॉ हो गया, किरचॉफ लॉ हो गया, लेंस लॉ हो गया, जितने भी आपने लॉज देखे, कूलम्स लॉ हो गया, सारे लॉज यहीं से निकल के आएंगे। ऑब्वियसली उसका डेरिवेशन थोड़ा होगा, अपने लेवल का होगा, हमें डेरिवेशन पार्ट तो देखना ही नहीं है फिलहाल। हम सिर्फ क्या देखने वाले हैं कि ऐसे कौन से चार इक्वेशन है जो मैक्सवेल इक्वेशन कहलाते हैं। सो तो ये तो फिलहाल उनका कमिटमेंट है कि चार इक्वेशन हमने दिए हैं और ये चारों इक्वेशन मेरे नहीं है, किसी और साइंटिस्ट के हैं, मैं तो खाली इसको डिस्कवर किया है, साथ में रखा है। पहला इक्वेशन है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बस लोग आपने पढ़ रखा है ना कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस पे, अच्छा क्लोज सरफेस का मतलब क्या है, यहाँ पे क्लोज सरफेस का मतलब है 3D सिलेंडर हो गया, स्फीयर हो गया, कोन हो गया, जिसको हम गॉसियन सरफेस कहते थे चैप्टर नंबर 1, गॉसियन सरफेस। क्या फॉर्मूला होती थी, क्यू इज इक्वल टू, यानी कि सॉरी उन्होंने एक चीज दी थी हमको कि ई डॉट डी ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये दिया था हमको गॉस लॉ। सो यही तो उन्होंने बोल दिया भाई कि भाई किसी भी क्लोज सरफेस के लिए ये गॉस लॉ हमेशा राइट है। हमको भी तो यही चीज मालूम पड़ी है, आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय डी टी, इसका डेरिवेशन हमने कल के लेक्चर में देखा था। अब एक चीज, अच्छा चलो ये भी चीज छोड़ो, हमने एक चीज देखा था ई इज इक्वल टू ई एम एफ कितना इंड्यूस होता है, माइनस डी फी बाई डी टी, पढ़ा था कि नहीं। एंड हमने कल के लेक्चर में देखा था कि ये ईएमएफ क्या है, अल्टीमेटली ये ई डॉट डी ए ही तो है, यानी कि ये चार्ज निकल के यहीं से आया है। समझ आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं, क्लियर हुआ? तो ये था मैक्सवेल का पहला लॉ जो कि गॉस बाबा की देन थी। ओके, अगला है यही चीज मैग्नेटिज्म के लिए। देखो आपने आपके सिलेबस में ये नहीं पढ़ा है, बट सेम गॉस लॉ हम मैग्नेटिज्म के भी लगा सकते हैं। अभी क्या कह रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो, किसी भी क्लोज सरफेस 3D फिगर में से मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा जीरो। अरे ये क्या कहना चाह रहा है, जरा देखें। चलिए सपोज करो बच्चा लोग, मैं एक स्फीयर यहां पर ले लेता हूं, क्या कर रहा हूं, यहां पर एक स्फीयर ले लिया और मैं इसके बीच में एक मैग्नेट रख लेता हूं, ये नॉर्थ ये साउथ। हमको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकल के साउथ में आती है, बोलो सही है कि नहीं। अब जरा ध्यान से देखो, देखो यहां से कितनी फ्लक्स निकल के बाहर जा रही है, 1 2 3, यहां पे कितनी फ्लक्स रिटर्न आ रही है, 1 2 3, यानी जितनी फ्लक्स गई उतनी फ्लक्स आ गई। इसको हम ले लेंगे माइनस फाइव, इसको मिलेंगे प्लस फाइव, तो यहाँ पे नेट प्लस जीरो आ गया। अच्छा भाई, बच्चे ने एक बार मुझसे क्वेश्चन पूछा कि सर अगर मैं इस मैग्नेट को बाहर रख दूं, तो इस मैग्नेट को इस क्लोज सरफेस के बाहर रख दूं तो भी क्या जीरो आएगा, क्या लगता है आप लोग को, जरा सोचो, सोच के जवाब देना। मैग्नेट जब तक मैग्नेट अंदर था तो फ्लक्स जितनी जा रही थी उतनी आ रही थी, अब अगर मैं इसी मैग्नेट को इस सरफेस के बाहर निकाल के रख दूं तो, देखो यार ये गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म तो कह रहा है कि हमेशा जीरो होगा, इस ऑलवेज जीरो हमेशा जीरो होगा। चलो देखते हैं इसको भी, ये मैंने एक स्फीयर ले लिया और अब मैंने मैग्नेट को बाहर रख लिया, अच्छा अब क्या होगा, ये नॉर्थ ये साउथ यहां से निकल के इधर आ जाएगा, बोलो क्लियर है। अच्छा एक चीज देखो, ये फ्लक्स एंट्री हुई, ये फ्लक्स एग्जिट हुई, ये फ्लक्स एंट्री हुई, ये फ्लक्स एग्जिट हुई, कितनी एंट्री हुई,
दो, कितनी एग्जिट हुई? दो। किसी एक की डायरेक्शन को प्लस ले लो, दूसरे की माइनस ले लो, तो प्लस माइनस अल्टीमेटली क्या हो गया? जीरो। यानी कि आप अगर बाहर भी रख रहे हो तो जितनी फ्लक्स आ रही है उतनी फ्लक्स जा भी रही है। अच्छा, अगर मैं किसी चार्ज को रखूं, देखो अगर मैं इलेक्ट्रिकल फ्लक्स की बात करूं, नॉट मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, अगर मैं किसी स्फीयर के अंदर एक चार्ज को रख लूं, तो बच्चा चार्ज में से इलेक्ट्रिकल फील्ड, अगर मान लो कि ये पॉजिटिव चार्ज है तो अवे हो जाएगा। यानी कि आप देख सकते हो सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही है, कोई भी अंदर नहीं आ रही है। इसीलिए इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो नहीं, सॉरी इलेक्ट्रिकल फ्लक्स जीरो नहीं हो रहा था। लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? एक क्लोज लूप बनाती है, एक क्लोज लूप बनाती है, जिसकी वजह से फ्लक्स इन अ 3D सरफेस इज ऑलवेज जीरो। अब यहां से मैक्सवेल ने ऐसा कह दिया कि मोनोपोल, मोनोपोल कैन नेवर एग्जिस्ट। अगर सपोज यहां पे मोनोपोल होता, यानी कि खाली साउथ पोल या खाली नॉर्थ पोल, तो फिर मैग्नेटिक फ्लक्स मिल जाती, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये तो आपको पता ही है, हमने पहले भी देखा है मैग्नेट के चैप्टर में, ठीक है। ये था इनका सेकंड लॉ। अब थर्ड लॉ क्या कह रहा है देखिए जरा। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, चार्ज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूसेस ईएमएफ, ये भी हमने पढ़ रखा है भाई। अगर चेंज इन मैग्नेट, अच्छा यहां पे चेंज होना चाहिए, सॉरी मेक अ करेक्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर चेंज होगा तो वो ईएमएफ इंड्यूस करेगा, वो तो हमने पढ़ रखा है। E is equal to minus d phi by dt, या तो फिर आप ऐसा भी कह सकते हो changing magnetic field induces electrical field। बच्चा मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया था कि actually फैराडे ने जो बताया था वो लॉ क्या था, E.dA is equal to minus d phi by dt, हमको समझाने के लिए बुक में लिख दिया गया EMF। एक्चुअली था क्या, वो इलेक्ट्रिकल फील्ड। सो अगर आप फ्लक्स चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंड्यूस होगी, ठीक है। यही था इसका थर्ड। देखो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं मैक्सवेल के चार इक्वेशन, बिकॉज वो आप पढ़ चुके हो, कहीं ना कहीं आप उसको देख चुके हो, ठीक है। एंड द लास्ट लॉ इज एम्पियर मैक्सवेल लॉ। ये एम्पियर मैक्सवेल लॉ हमने देखा है, हाँ देखा है बच्चा, हमने देखा था ना, B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट ID प्लस IC। अरे इसी को बोल दिया उन्होंने एम्पियर मैक्सवेल लॉ, बिकॉज एम्पियर ने एक लॉ तो दिया ही था इंडक्शन करंट के लिए। अब मैक्सवेल ने अपना भी नाम डाल दिया, भाई मैंने दिया है, मैंने भी कुछ किया है, ठीक है। तीन लॉ तो उसके नहीं है ना, नहीं तो, तो, तो पहले जोड़े थे, हाँ तो पहले उसने बोल दिया कि भाई एक्चुअली सुबह चारों लॉ मेरे लिए, ये भी लॉ मेरा नहीं है, ये तो खाली मैंने इसको थोड़ा मॉडिफाई किया है, बाकी लॉ तो दिया किसी और साइंटिस्ट ने, ठीक है। सो बच्चा लोग ये रहे चारों लोग जो हमने अपने अभी देखे। पहला लॉ हमने कौन सा देखा था कि किसी भी स्लो सरफेस पे इलेक्ट्रिकल फील्ड हमेशा इक्वल होगी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट को, गॉस लॉ। फिर गॉस लॉ फॉर एनी मैग्नेटिक क्लोज सरफेस, मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी ऑलवेज जीरो। फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड चेंज करने की वजह से, फ्लक्स के चेंज करने की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड इंड्यूस होगी। एंड लास्टली एम्पियर मैक्सवेल एम्पियर लॉ, ठीक है। अच्छा अब देखो ये कहां से आया, जरा ध्यान से देखना। अभी जो हमने फॉर्मूला देखा B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट IC प्लस ID, हम इंडक्शन करंट को ID बोलते हैं जो अभी तक हम पढ़ते थे, और ID क्या, ID के बदले ये फॉर्मूला है ना, ये तो हमने फॉर्मूला देखी थी, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट द एम्पियर मैक्सवेल लॉ। सो बच्चा लोग इसी के साथ हम हमारा आज का चैप्टर, सॉरी आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ आया होगा और इसकी नोट्स वगैरह भी आपको बहुत ही जल्द अवेलेबल हो जाएगी। तब तक एंजॉय करते रहिए एंड पढ़ते रहिए। थैंक यू।